नमस्कार, हिमाचल अभी डॉट कॉम से मैं पल्लवी शर्मा पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। सीएम जयराम ठाकुर ने हमीरपुर के शहीद जवान अंकुश ठाकुर के घर पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बधाया। कोरोना पॉजिटिव निकला बिलासपुर युवक, रुड़की से पकड़कर लाना पड़ा, बंद करनी पड़ी पुलिस चौकी। पीएम मोदी ने किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ, प्रवासी मजदूरों को होगा फायदा। पाकिस्तान ने हथियार बांध कर भारतीय सीमा में भेजा ड्रोन, बीएसएफ ने मार गिराया। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा, सीमा विवाद पर जरूरत पड़ी तो हर चुनौती का जवाब देने के लिए सक्षम है। गलवान घाटी में घायल हुए जवान के पिता की राहुल को नसीहत, गृह मंत्री शाह ने भी किया पलटवार। देश में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 14,516 नए मामले, 375 लोगों की मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दी प्लाज्मा थेरेपी, मैक्स हॉस्पिटल में है भर्ती। हरियाणा में 18 और 25 दिन के दो बच्चों सहित 29 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना पर WHO ने कहा, दुनिया अब खतरनाक फेज में, वैश्विक स्तर पर वायरस फैलने की स्पीड बढ़ रही है। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। भारत चीन LAC विवाद में हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले शहीद जवान अंकुश ठाकुर के परिजनों को ढाढ़स बंधाने के लिए सीएम जयराम ठाकुर उनके पैतृक निवास करोता पहुंचे। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प के बाद हमीरपुर के उपमंडल भोरंज के गांव करोता का 21 वर्षीय जवान ही शहीद हो गया था। बीते कल ही उसका सैन्य सम्मान के बीच अंतिम संस्कार हुआ है। प्रदेश सरकार की तरफ से पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर शामिल हुए। शहीद जवान अंकुश ठाकुर वर्ष 2018 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। अंकुश ठाकुर के पिता और दादा भी भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। 10 माह पहले ही अंकुश ने रंगरूटी काट कर घर से सेना की नौकरी ज्वाइन की थी। शहीद का छोटा भाई 6 कक्षा में पढ़ता है। सीएम के साथ विधायक कमलेश कुमारी, नरेंद्र ठाकुर, राकेश जम्बाल, कर्नल इंद्र सिंह व बीजेपी के संगठन मंत्री पवन राणा, पार्टी प्रवक्ता विनोद ठाकुर, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव पाया गया एक युवक न केवल बिलासपुर में बल्कि प्रदेश से बाहर भी घुमाया है। मार्केटिंग का काम करने वाला ये युवक अपनी ट्रेवल हिस्ट्री छिपाकर पुलिस चौकी बिलासपुर भी गया था, जिसके चलते पुलिस चौकी को आज एहतियातन बंद कर दिया गया है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि परिजनों के साथ बिलासपुर शहर के रोड़ा सेक्टर में किराए के मकान में रहने वाले युवक का रैंडम सैंपल बीती 17 तारीख को लिया गया था। उसके बाद वह क्वारंटाइन ना होकर इधर उधर घूमता रहा। बताया जाता है कि देर रात जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो वह घर पर नहीं था, बल्कि उसे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के रुड़की से पकड़ कर लाना पड़ा। मूल रूप से युवक झंडूता उपमंडल के बड़गांव का रहने वाला है। उसे अब कोविड आयुर्वेदिक अस्पताल चांदपुर पहुंचाया गया है। उधर SP दिवाकर शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि पुलिस चौकी बिलासपुर को लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। गरीब कल्याण योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों का कार्य मिलेगा। इसे देश के उन राज्यों में संचालित किया जाएगा जिनमें प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से अधिक है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान को फिलहाल 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू किया जाएगा। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल है। अभियान में रोजगार एवं अवस्थापना सृजन के तहत 25 प्रकार के काम कराए जाएंगे। इस योजना पर 50,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बॉर्डर पार से भारतीय सीमा में रेकी करने के मकसद से भेजे गए पाकिस्तानी ड्रोन को BSF ने मार गिराया है। हीरानगर सेक्टर के कठुआ गांव में सुबह 5 बजे के करीब इसे जवानों के द्वारा देखा गया। जवानों ने इसे मार गिराया। बताया जा रहा है कि ड्रोन में कुछ हथियार भी बंधे हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन के साथ एक राइफल, 2 मैगजीन, 60 राउंड और 7 ग्रेनेड बंधे हुए थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। पाकिस्तान पिछले समय से ड्रोन का काफी इस्तेमाल कर रहा है। कुछ दिनों पहले पंजाब में भी सीमा पर एक ड्रोन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। इधर LOC पर भी पाक की ओर से पिछले कुछ दिनों से लगातार फायरिंग की जा रही है। इससे LOC पर माहौल काफी तनावपूर्ण है। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया करने का अभियान छेड़ा हुआ है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारतीय वायुसेना की कम्बाइंड ग्रेजुएशन परेड चल रही है। यहाँ परेड में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने भारत चीन विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत चीन के साथ मौजूदा तनाव का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। एयर मार्शल चीफ ने ये भी कहा कि गलवान घाटी में शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी।
वायुसेना प्रमुख ने कहा, कृपया कर्नल संतोष बाबू और उनके बहादुर लोग जिन्होंने गलवान घाटी में एलएसी का बचाव करते हुए बलिदान दिया, उनको श्रद्धांजलि देने में मेरे साथ शामिल हों। ये चुनौतीपूर्ण स्थितियों में वीरता से किसी भी कीमत पर भारत की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए हमारे संकल्प को प्रदर्शित करता है। हम किसी भी अचानक हुई घटना का जवाब देने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं और मैं देश को विश्वास दिलाता हूं, हम गलवान में बहादुरों के बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 जवानों के शहीद होने के बाद देश में सियासत भी जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है, ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है तो राहुल गांधी को भी ओछी राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। राहुल ने शुक्रवार को गलवान घाटी में घायल हुए जवान के पिता बलवंत सिंह का वीडियो ट्वीट कर सरकार को घेरा था। वहीं अब जवान के पिता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को इस मुद्दे पर राजनीति करने से मना किया है। दरअसल इस सब की शुरुआत शुक्रवार को हुई, जब राहुल ने गलवान घाटी में झड़प के दौरान घायल हुए जवान के पिता का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए झूठ बोलते देखना दुखद है, अपने झूठ से हमारे शहीदों का अपमान मत कीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 14,516 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और 375 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,95,048 हो गई है, जिनमें से 1,68,269 सक्रिय मामले हैं, 2,13,831 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 12,948 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 19 जून तक 66,16,496 नमूनों का परीक्षण किया गया। पिछले 24 घंटे में 1,89,869 नमूनों का परीक्षण किया गया। मुंबई पुलिस के PRO प्रणय अशोक ने बताया कि शुक्रवार को मुंबई में कोरोना संक्रमित एक और पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। मुंबई पुलिस में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है और शहर में अब तक कुल 2,349 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल साकेत में जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद सत्येंद्र जैन को मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। सत्येंद्र जैन की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ा। सत्येंद्र जैन को अब बुखार नहीं है, अगले 24 घंटे तक ICU में मॉनिटरिंग होगी। मैक्स हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा की निगरानी में ट्रीटमेंट चल रहा है। सत्येंद्र जैन को सोमवार की रात तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने पर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। मंगलवार की सुबह उनका कोरोना टेस्ट किया गया था, तब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद दूसरी बार उनका कोरोना टेस्ट हुआ और वे पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधानसभा से विधायक आतिशी भी कोरोना पॉजिटिव पाई जा चुकी हैं। बुधवार को उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी आई थी। आतिशी ने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार अति संवेदनशील राज्यों की स्थिति पर निगरानी कर रही है। इसके चलते केंद्र सरकार ने कोविड जांच को लेकर 72 जिलों की सूची तैयार की है, जहां सबसे कम कोरोना वायरस की जांच हो सकेगी। इसमें से 8 जिले ऐसे हैं जहां ज्यादातर 10 लाख की आबादी पर 500 से कम लोगों की कोरोना जांच हो रही है। इनमें दिल्ली का एक जिला भी शामिल है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन जिलों में कोविड जांच को बढ़ाने के लिए एंटीजन किट्स का ज्यादा इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम की बैठक में भी इन स्थिति को लेकर चर्चा की गई थी। इस दौरान कोरोना वायरस की वृद्धि दर में लगातार गिरावट होने की जानकारी दी गई। साथ ही अति संवेदनशील राज्य व जिलों को अलर्ट पर रहने और प्रयासों को बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। हरियाणा के अम्बाला में गुरुवार को महज 18 और 25 दिन के दो बच्चों सहित 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अम्बाला में एक दिन में पॉजिटिव पाए गए मामलों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, जिसके बाद अब जिले में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 237 जा पहुंचा है। वहीं इनमें से 122 मामले एक्टिव हैं। अम्बाला की लैब से 3 कुरुक्षेत्र और एक मामला यमुनानगर का भी पॉजिटिव आया है। गुरुवार को सामने आए 25 मामले अम्बाला के एक दिन में अब तक पॉजिटिव पाए गए सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं SNCU वार्ड तक कोरोना का पहुंचना भी स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा रहा है। पाए गए मामलों में 15 मामले अम्बाला छावनी, 5 अम्बाला शहर, 2 मुलाना और 3 अन्य मामले शाहबाद के हैं। शाहबाद के 21 वर्षीय युवक, 22 वर्षीय युवती और 18 दिन का नवजात शिशु पॉजिटिव पाया गया है। इन सभी को कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि दुनिया अब एक नए खतरनाक फेज में पहुंच गई है। WHO ने कहा है, भले ही अलग अलग देशों में महामारी का अलग अलग फेज हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर वायरस फैलने की स्पीड बढ़ रही है। शुक्रवार को WHO के डायरेक्टर ने कहा, वायरस अब भी तेजी से फैल रहा है और अब भी ये जानलेवा है। ज्यादातर लोग अभी भी संवेदनशील हैं। इकोनॉमी खोलने के लिए तमाम देशों में दबाव बढ़ा है और WHO ने चेतावनी दी है, सरकार को अचानक भारी संख्या में नए मामले सामने आने के लिए तैयार रहना चाहिए। WHO का कहना है, लॉकडाउन खुलने के बाद अगर अचानक बड़ी संख्या में नए केस आते हैं तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। गुरुवार को दुनिया में कोरोना के 1.5 लाख नए मामले सामने आए हैं। ये अब तक की एक दिन में रिकॉर्ड हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इनमें से करीब आधे केस USA, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के हैं। इन्हीं खबरों के साथ कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन यही खत्म होता है। हमारा अगला ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन सुनिए 7:30 PM। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।